नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शेट्टी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय है, एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं कि आगे जाके किस कृषि फसल के अंदर कितनी मंदी तेजी बनती नजर आ सकती है और किस कम्युनिटी में बच के चलना सही रहेगा। सबसे पहले जानेंगे कि कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है। शुरुआत करें यहां पे कैसर सीड से। देख रहे हैं कैसर सीड का दिसंबर वायदा 6500 पर है और 6574 का ही लगा चुका, आधे फीसदी की करेक्शन है। हमने आज कैसर सीड को काफी समय के बाद एक कंसोलिडेशन के बाद 6500 के ऊपर आते हुए देखा है। सुबह में के कारोबारी सत्र में कैसर हरे निशान पर कारोबार करता नजर आ रहा था, हालांकि शाम के कारोबारी सत्र में कैसर में एक हल्की सी आधे फीसदी की करेक्शन दर्ज की जा रही है। लेकिन खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि डोमेस्टिकली कैसर की जो डिमांड है अब धीरे धीरे उठेगी, कंसिस्टेंसी के साथ उठेगी और जो निर्यात मांग है वो भी ठीक ठाक ही देखने को मिलती रहेगी। तो कैसर में ओवरऑल अभी जानकार तेजी में ही है। बात करें यहां से अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल का दिसंबर वादा देख रहे हैं 2595 पर कारोबार कर रहे हैं, 2598 का हाई लगा चुका है, ढाई फीसदी की तेजी। देख रहे हैं कि बिनौला खल का दिसंबर वायदा यहाँ पे आज काफी अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है, 2600 के लेवल के आसपास है। तो आज शाम के कारोबारी सत्र में किस कम्युनिटी में खरीदारी और बिकवाली करके चलना सही रहेगा और किस कम्युनिटी में आगे कितनी कमाई मिल सकती है, आइए जान लेते अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं SMC के रिसर्च एसोसिएट रविंद्र शर्मा जी। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, सबसे पहले आपसे कैसर के ऊपर जानकारी चाहूंगा। हमने कैसर को काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन में कारोबार करते देखा है, आज देख रहे हैं कि 6500 के ऊपर कारोबार करता नजर आया था, अभी भी देख रहे हैं 6500 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहा है, लेकिन आधे फीसदी की करेक्शन है। आपको क्या लगता है, क्या ये 6500 के ऊपर के जो लेवल देखने को मिले थे, क्या ये कल भी कंटिन्यूएशन में रह सकते हैं या फिर यहां से मुनाफा वसूली बन जाएगी? देखिए, कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में हायर प्रोडक्शन के एस्टीमेट्स हैं और वो चीज जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है प्राइसेस के लिए। और ओवरऑल देखें तो एक्सपोर्ट जो है वो ईयर ऑन ईयर में 16% के हायर साइड में दिखा रहे हैं, तो एक मिक्स्ड व्यू इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन लोअर लेवल से बाइंग भी देखने को जरूर मिलेगी, लेकिन अगर एस्टीमेट्स के अकॉर्डिंग इसके प्रोडक्शन रिपोर्ट जो है वो आती है तो प्राइसेस जो है ये डाउनसाइड ज्यादा प्रेशर में रहेंगे और आने वाले समय में हमें ये कमोडिटी डाउनसाइड में 6300 तक स्लिप करने को देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर एस्टीमेट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन नहीं होती है तो चांसेस हैं कि फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी और अपर साइड में 68 और 69 के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। जी रविंद्र जी, यहां से बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि दिसंबर वायदा 2598 का हाई लगा चुका है। हम देख रहे हैं कि काफी समय के बाद बिनौला खल ने ये लेवल दिखलाया है, आपको क्या लगता है, क्या आज क्लोजिंग होते होते बिनौला खल में 2600 का लेवल देखने को मिल पाएगा और क्या ये तेजी कल भी जारी रह सकती है? देखिए, मैं तो इसमें काफी देर से ही ये रेकमेंडेशन दे रहा हूँ कि कुकुट जो है ये यहाँ से काफी अच्छा बाइंग बनता है। कोई फर्दर इसमें अपसाइड देखने को मिलेगी क्योंकि कॉटन प्राइसेस देखें तो वो भी अपसाइड में भी मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक तो चाइना की तरफ से जो इंपोर्ट डिमांड है वो इंक्रीज कर रही है और दूसरा जो अराइवल्स है वो जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम हो रहा है और उसी वजह से कॉटन प्राइसेस जो है ये अपसाइड में मूव कर रहे हैं और वहीं से कुकुट को भी सपोर्ट देखने को मिल रहा है और चांसेस ये लग रहे हैं कि हायर साइड में 2650 को जैसे कमोडिटी ब्रेक करेगी फर्दर बहुत शार्प रैली देखने को मिलेगी अपसाइड में 2800 तक के लेवल्स में। अभी भी यहां से बाइंग बना के चल सकते हैं, 2460 का सपोर्ट है और काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जी, तो यानी कि बिनौला खल की कीमतों में जो तेजी है ये जारी रह सकती है, बिनौला खल में एक काफी शानदार रैली निकल के सामने आ सकती है जो ऊपर में रविंद्र जी के मुताबिक 2800 तक जा सकती है। यही से रविंद्र जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में आज हमने धनिये में काफी शानदार तेजी आती हुई देखी है। जो धनिया कुछ हफ्तों पहले तक 8000 के ऊपर की क्लोजिंग दे रहा था दिवाली से पहले, उसके बाद हमने इसमें धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ एक तेजी बनती देखी है और आज देख रहे हैं कि 9100 के ऊपर का हाई लगा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या धनिया यहाँ से 10000 या फिर इससे ऊपर के भी लेवल्स दिखला पाएगा? देखिए, धनिया की बात करें तो धनिया प्राइसेस में भी फर्दर अपसाइड देखने को जरूर मिलेगा। अभी चांसेस हैं कि अपर साइड में 9100 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं
पैटर्न्स की बात करें तो पैटर्न्स में भी लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव मूव जरूर बाकी है, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है ये अनफेवरेबल हो जाता है, रिस्क जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर किसी को ट्रेड करना है तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस से ही करें, और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है वो रिवॉर्ड से ज्यादा है, क्योंकि 8700 के आसपास के सपोर्ट है और अपर साइड में 9100 तक के टारगेट इसमें बनते हुए दिख रहे हैं, तो इसमें अवॉइड ज्यादा बेहतर रहेगा रेदर देन ट्रेड करने के लिए। जी रविंद्र जी, धनी में जो तेजी बनती नजर आई है, क्या ये लो लेवल बाइंग है या फिर धनी के फंडामेंटल्स मजबूत हुए हैं जिसकी वजह से धनी में तेजी देखने को मिल रही है? देखिए, दुनिया में जो अराइवल्स हुए हैं और दूसरा अराइवल्स जो है वो एक्सपेक्टेशन से कम हो रहे हैं, और दूसरा डिमांड जो है वो इंक्रीज हुई है, तो उसी वजह से हम देख रहे हैं कि एक तो एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो उसमें भी दिखा रहे हैं कि 12.5% के आसपास का जो इंक्रीज देखने को मिला है, और वही मेन मेजर रीजन है जिसके वजह से प्राइजेस जो है ये अपसाइड मूव कर रहे हैं। जी ये सर रविंद्र जी, हल्दी में भी देख रहे हैं आज काफी शानदार तेजी निकल के सामने आई है। दिसंबर वादा देख रहे हैं 8140 का हाई लगा चुका है। आपको क्या लगता है, क्या हल्दी में एक बार फिर से तेजी का दौर देखने को मिल पाएगा? देखिए, टर्मरिक की बात करें तो टर्मरिक में जो साउथ इंडिया में रेन्स हो रही है उसकी वजह से न्यूज है कि क्रॉप डैमेज हुआ है, और उसी वजह से हम देख रहे हैं कि टर्मरिक प्राइसेस जो है ये अपसाइड में 8000 के लेवल को भी ब्रेक किया है, और लेकिन अभी देखा हमने कि 8100 का हाई लगाने के बाद कमोडिटी जो है ये डाउन साइड में 7800 के आसपास स्लिप कर गई है, तो जी प्रॉफिट बुकिंग भी साथ में ही चल रहा है, लेकिन ज्यादा अपसाइड बायस के साथ ही ये कमोडिटी मूव करेगी, और मेजर जो सपोर्ट रहने वाला है कमोडिटी के लिए वो 7700 के आसपास रहेगा, और जब तक ये कमोडिटी उससे ऊपर सस्टेन करती है चांसेस है कि 8200 से 8300 तक के अपसाइड लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी ये सर रविंद्र जी देख रहे हैं कि जीरे में भी ठीक ठाक लेवल्स बनते नजर आ रहे हैं। जीरा 16500 के ऊपर सस्टेन होके चल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या दिसंबर वादा एंड होते होते 17,000 के भी लेवल देखने को मिल पाएंगे? देखिए, जीरा में थोड़ा सा प्रेशराइज जरूर रह सकता है, क्योंकि इसके जो एक्सपोर्ट डिमांड है ये इतनी ज्यादा इम्प्रूव होती हुई नहीं दिख रही है कंपैरेटिव, लेकिन प्रोडक्शन जो है वो टर्की और सीरिया में थोड़ी सी कम है, उसी वजह से प्राइसेस थोड़ा अपसाइड सस्टेन कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही इसमें अगर एक्सपोर्ट बढ़ते हैं तो चांसेस है कि फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ते हैं तो फर्दर यहाँ से सेलिंग देखने को मिलेगी। इंट्राडे इसमें जो मेजर सपोर्ट है वो 16,000 के आसपास है, कमोडिटी जब तक 16,000 से ऊपर सस्टेन करती है तो बाइंग पोजीशन में रह सकते हैं, लेकिन 16,000 के नीचे ब्रेक करती है तो वहां से हैवी सेलिंग विटनेस हो सकती है। जी रविंद्र जी, हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जिनका सवाल मसालों को लेकर आ रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि क्या फिजिकल में भी मसालों को अभी स्टॉक करके चला जा सकता है? क्या 2022 की शुरुआत में मसालों में अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं? देखिए, इस समय ऑलरेडी काफी हायर साइड में है, अगर एक करेक्शन मिलती है तो जरूर लेके चल सकते हैं। टर्मरिक में चांसेस लग रहे हैं कि और फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकती है, तो टर्मरिक में जरूर मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि इसमें आप अगर एक छोटा डिप मिलता है तो आप उसे परचेज करके चल सकते हैं। जी रविंद्र जी, बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में हमने पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से एक नरमी के साथ कारोबार देखा है। ग्वार गम में आज भी नरमी के साथ कारोबार जारी, हालांकि कुछ कीमतें हल्की सी सुधरती नजर आई हैं, और ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड में 6100 के बाद आज 6200 का लेवल देखने को मिला है। आपको क्या लगता है, क्या ग्वार में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है या स्पेकुलेशन की वजह से इतना देखने को मिल रहा है? क्योंकि फंडामेंटल्स तो हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन थोड़ा कम ही है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि जो कीमतें हैं इतनी ऊपर जाएं। आपको क्या लगता है, ग्वार में क्या आगे जाके भी वॉलेटिलिटी देखने को मिलती रहेगी? देखिए, इसमें ज्यादा वोलेटिलिटी का रीजन ये भी है कि क्रूड प्राइसेस जो है ये काफी फास्ट मूव कर रहे हैं, और काफी ज्यादा जी वोलेटिलिटी जो है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस में हमें देखने को मिल रही है रिसेंट टाइम में, और वो जो है वो ग्वार कॉम्प्लेक्स में रिफ्लेक्ट कर रही है। ओवरऑल फंडामेंटल्स जो है वो मिक्सड हैं, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से हमें इस समय ग्वार कॉम्प्लेक्स में इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। जैसे जैसे वो क्लैरिटी बनती जाएगी, प्राइसेस जो है वो उसी तरीके से मूव करेंगे, तो अभी के लिए यहाँ से ग्वार कॉम्प्लेक्स में एक छोटी करेक्शन जरूर बनती हुई दिख रही है। फर्दर ग्वार सीड जो है ये 6000 तक के लेवल्स डाउन साइड में टेस्ट कर सकता है। वही ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम में भी सेलिंग बनती हुई दिख रही है, 10800 तक के लेवल इसमें भी देखने को मिल सकते हैं। जी
ये सर रविंद्र जी बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में रिफाइंड सोया तेल और सीपीओ में कैसा रुझान देखने को मिल सकता है? बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका सवाल लगातार सीपीओ और रिफाइंड सोया तेल को लेकर आ रहा है। देखिए, एडिबल ऑयल की बात करें तो एडिबल ऑयल में सीपीओ, अगर दिसंबर की बात करें तो प्राइसेस जो हैं एक रेंज में स्टक हुए हुए हैं, 1080 से अपर साइड में जी 1160 तक की रेंज है, और उसी रेंज में कंटिन्यूज हमें एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है अराउंड अगस्त मंथ से। तो चांसेस यही लग रहे हैं कि अगर हायर साइड में ये कमोडिटी ब्रेक करती है 1180 के ऊपर, तो चांसेस हैं कि फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी। लेकिन जब तक इस रेंज में है तो आप एक कंसोलिडेशन में जरूर एक्युमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है वो थोड़े से सपोर्टिव दिख रहे हैं यहाँ से, और चांसेस हैं कि लोअर लेवल से अगर आप बाइंग करते हैं तो एक तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और अपर साइड में रिवॉर्ड जो है वो काफी अच्छा दिखता है। जी रविंद्र जी, यहीं से बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन के दिसंबर बाद देखने 6521 पर ट्रेड कर रहा है और 6700 के ऊपर का हाई लगा चुका है। रविंद्र जी, देख रहे हैं कि सोयाबीन में जो तेजी है वो एक कंटिन्यूस देखने को मिल रही है एक के बाद एक। हमने सोयाबीन में वायदा में सर्किट भी लगते हुए देखे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन के फंडामेंटल्स अचानक से इतने मजबूत हुए हैं, या फिर जो सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, वो ऐसी क्रिएट होती नजर आ रही है, या फिर ऐसा क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वजह से सोयाबीन की कीमतों में इतनी तेजी बन रही है? देखिए, इसका एक मेजर रीजन है कि यूएस में जो कॉर्न कॉर्न और बीट के प्राइसेस हैं वो सर्च कर रहे हैं, और सोयाबीन जो है उसका एक सब्सिट्यूट है, और उसी वजह से प्राइसेस जो है ये शूटअप हो रहे हैं यूएस सोयाबीन में, और उसी का एक रिफ्लेक्शन जो है वो एनसीडीएक्स में भी देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक मार्केट में। ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो इतने ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन जो उसका सब्सिट्यूट है उसकी शॉर्टेज होने के कारण प्राइसेस जो है ये अपसाइड मूव कर रहे हैं। जी, तो रविंद्र जी, क्या माना जाए, क्या सोयाबीन यहां से अभी और ऊपर उठती हुई नजर आ सकती है? जी बिल्कुल, अगर इसके सब्स्टिट्यूट में शॉर्टेज कंटिन्यूस रहेगी तो चांसेस हैं कि फर्दर अपसाइड देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा और ज्यादा मतलब सतर्क रह के ट्रेड करना इसमें बेहतर रहेगा, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो ऐसे समय में स्पेकुलेशन भी बहुत ज्यादा होती है, और चांसेस यही है कि जिस तरीके से अपसाइड मूव देखने को मिलेगा अगर न्यूज आती है इसके फेवर में मतलब अगेंस्ट में, तो चांसेस हैं कि इसी तरीके का सेलिंग मूव भी देखने को मिलेगा और उस समय में जो बायर्स हैं वो स्टक हो जाएंगे। जी रविंद्र जी, दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल बिनौला खल को लेकर आ रहा है। अभी जैसे हम देख रहे हैं बिनौला खल का दिसंबर वायदा 2500 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, तो इनका सवाल यह है कि बिनौला खल में क्या अभी और निचले लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिससे कि निचले लेवल्स पर परचेज किया जा सके लॉन्ग टर्म के लिए? ये जानना चाह रहे हैं 2300 का लेवल कब तक देखने को मिलेगा? देखिए, अभी कोकोड की बात करें तो इसमें 2300 के लेवल्स थोड़े से मेरे को चांसेस कम लग रहे हैं, क्योंकि पैटर्न्स जो हैं ये भी पॉजिटिव दिख रहे हैं, और दूसरा फंडामेंटल्स जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं प्राइसेस को, तो चांसेस ये लग रहे हैं कि आप अगर एक्युमुलेट करना भी चाहते हैं तो करंट लेवल से कर सकते हैं, और अगर डिप आता है तो वहां पे जाके आप एवरेज आउट कर सकते हैं अपने प्राइसेस को, लेकिन यहाँ से अगर आप वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि आप रैली मिस करने के ज्यादा पास रहेंगे। जी रविंद्र जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, जी। टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनके अंदर आने वाले समय में भी अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए, यहाँ से सीपीओ में लोअर लेवल बाइंग देखने को मिल सकती है, 1120 से 1110 की रेंज में बाइंग करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 1180 के नीचे, 1080 के नीचे, और अपर साइड में 1180 और 1160 के टारगेट रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कुछ दर्शकों के सवाल लगातार अभी भी आ रहे हैं, उनके सवाल ले लेते हैं। राजेंद्र पटेल जी जुड़े हुए हमारे साथ जिनका सवाल चने को लेकर आ रहा है। राजेंद्र पटेल जी, चने के बारे में हमने पहले भी इंटरव्यू लिया था, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, और आज सुबह भी हमने अपने चैनल पर चने के बारे में वीडियो अपलोड करी है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि चने में आगे मंदी रहेगी या तेजी। एक और दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल सरसों को लेकर आ रहा है, सरसों में क्या रहेगा? सरसों में अभी हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि मंडियों में आवकें थोड़ी कम देख आवकें बहुत कम देखने को मिल रही है, और जो
डिमांड है वो काफी ज्यादा है और स्टॉक इतना रह नहीं गया है, जिसकी वजह से जो सरसों की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ ही रही हैं। और उसी का ही इम्पैक्ट है कि हम एडिबल ऑयल पर भी पड़ता देख रहे हैं, सरसों तेल भी अब महंगा बिकता नजर आ रहा है। हालांकि सरकार ने काफी सारे इस पे प्रयास किए हैं कीमतों को नीचे लाने के लिए, लेकिन कीमतें इतनी नीचे नहीं आई है। कीमतें नीचे आई हैं लेकिन उस रेशियो में नहीं आई हैं जिस रेशियो में कीमतें बढ़ी थी। तो अभी सरसों की कीमतों में जो तेजी है ये जारी रह सकती है। नई आवकें होने पर जो कि लगभग 1 महीना लेट होंगी, क्योंकि जब बुआई हो रही थी किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ गई थी, क्योंकि मानसून की बरसात ने बुआई को नष्ट कर दिया था। जो जब सरसों की बुआई हो रही थी तो किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से सरसों की जो आवकें आएंगी मंडियों के अंदर वो लगभग 1 महीने तक लेट हो सकती है। 1 महीने की देरी सरसों की आवकों में देखने को मिल सकती है। तो जब आवकें आएंगी तब जाके थोड़ा कीमतों पर दबाव पड़ सकता है, थोड़ा प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन तब भी नई जो आवकें होंगी उनकी कीमतें कम रहेंगी और जो पुरानी सरसों होगी उसकी कीमतें तब भी ज़्यादा ही रहेंगी नई के मुकाबले, क्योंकि पुरानी में नमी नहीं होती है और जो नई आवक होती है सरसों की उसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा पाया जाता है, जिससे की वजह से जो पुरानी सरसों होगी उसकी पूछ परख ज़्यादा बढ़ेगी। तो जो किसान है अपनी सरसों को अभी भी बचा कर चल सकते हैं, स्टॉक करके चल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।